एक और चीज बता दूं, ये बड़ी बातें हुई हैं, इस वक्त तक जो फर्टिलिटी रेट है सिंध सूबे का सबसे कम बलूचिस्तान सूबे का है, 1.1% रिपोर्टेड केसेस में जो डेथ्स हुई हैं। उसके बाद सूबे सिंध है 1.57%, फिर सूबे पंजाब है 2.26% और खैबर पख्तूनख्वा 3.62%। देखिए नंबर्स में, देखिए ये पूरे पाकिस्तान को फेस कर रही है ये पेंडेमिक, और इसीलिए मैं कह रहा था कि हमने सबने, लेकिन हमने बिकॉज इधर बड़ी बातें हुई कि सुबह हमने सिर्फ बातें की हैं कि रिजल्ट्स हेल्थ डिपार्टमेंट के, हमारी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अजरा पेचू, हमारे जो टीम थी, हमारे सब लोग और सबने कोऑपरेट किया। मैं आज वो बात बताऊंगा, कल इन्होंने जिक्र किया था कि कैसे हमने एग्री किया था, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने अपने साथ भी साथ थे उस मीटिंग में। और जो हैरत सिर्फ ये हुई कि कल उन्होंने कहा कि जी हमने प्राइम मिनिस्टर से पूछा और फिर एग्री किया, लेकिन हैरत इस बात की, 22 मार्च 2020 की बात है, जब हमारी मीटिंग हो रही थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे थे कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, आज कह रहे हैं कि हमने 13 मार्च से लॉकडाउन कर दिया। 22 मार्च की तकरीर उठा लें, जब हम मिल रहे थे उधर चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, और उस दिन रात को एक टीवी एंकर ने मेरे उस पर प्रोग्राम कर दिया कि जी सुबह सिंध के चीफ मिनिस्टर डिफाई कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो मैंने फिर उनसे बात की थी और उन्होंने अगले दिन मुझे अपने शो पे लिया था और क्लैरिफिकेशन भी मैंने दी। हाँ जी, इन टर्म्स ऑफ हमने क्या किया, मैंने पहले बताया था टेस्टिंग हमने अपनी बढ़ाई, जिस दिन ये का पहला दिन था 26 फरवरी 2020, 80 टेस्ट की कैपेसिटी थी, आज हम 13-14 हजार पे हैं। पिछले कुछ दिनों से टेस्ट कम हो रहे हैं और उसको हम देख रहे हैं कि क्या इश्यूज हैं, कुछ हमारे जो लोग हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए, इस वजह से हमारे पास टीम्स की कमी हो रही है, बट वी आर